जातिवाद के समर्थन में उतरे अमेरिका में रहने वाले सवर्ण हिंदू। अमेरिका के सवर्ण हिंदू चाहते हैं जाति भेद होता रहे। यूएसए में भी सवर्ण हिंदुओं को जातिवाद पसंद है। ये तस्वीरें अमेरिका से आई हैं। हाथों में प्लेकार्ड लेकर विरोध कर रहे ये लोग अमेरिका में बसे सवर्ण हिंदू हैं। ये लोग यहाँ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इन्हें जातिवाद करना पसंद है। ये लोग चाहते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव होता रहे। अमेरिका में जाति के खिलाफ कानून ना बन जाए, इसलिए वहाँ बसे सवर्ण भारतीय एकजुट हो गए हैं। ये सवर्ण अमेरिकी सीनेटर आयशा वहाब के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुँचे थे। ये सवर्ण हिंदू कह रहे हैं कि अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाला कानून पास नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये हो गई कि हाथों में अनहर्ड दलित बहुजन वॉइस का प्लेकार्ड भी थाम लिया। यानी वहाँ सवर्ण हिंदू खुद को दलित बहुजन बताकर ये कह रहे हैं कि देखिए हम दलित हैं, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि अमेरिका में जातिवाद पर बैन लगे। हमारे साथ जातिवाद होता रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकी मक्कारी नहीं तो भला और क्या है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अमेरिका में रहने वाले ये सवर्ण हिंदू जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं। अगर नहीं तो फिर ये लोग वहाँ एंटी कास्ट बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एंटी कास्ट बिल पेश किया गया है। इस बिल में जाति के आधार पर भेदभाव करने को बैन करने का प्रावधान है। अफगानी मूल के अमेरिकी सांसद आयशा वहाब ने अमेरिका में बसे दलित बहुजन अम्बेडकर वादियों के साथ मिलकर ये बिल राज्य की सीनेट में पेश किया है। अगर ये बिल पास हो गया तो कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला राज्य होगा जहां जाति के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बिल आया, वैसे ही वहां बसे सवर्ण हिंदू इसे हिंदू धर्म पर हमला कहने लगे। एंटीकास्ट बिल को एंटी हिंदू बिल कहकर ये लोग आयशा वहाब के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुँच गए। खबर तो ये भी है कि आयशा वहाब को धमकियाँ भी दी जा रही है। ऐसे में अमेरिका में बसे इन सवर्ण भारतीयों की जातिवादी मानसिकता फिर से सामने आ गई। अगर नहीं तो क्या ये बता सकते हैं कि एंटी कास्ट बिल इनके लिए एंटी हिंदू बिल कैसे हो गया? क्या ये लोग जाति को हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा मानते हैं? क्या ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की बनाई हुई है? क्या ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव करना इनके धर्म का हिस्सा है? और क्या अमेरिकी सवर्ण हिंदू नहीं चाहते कि कभी भी जातिवाद खत्म हो? क्या अमेरिकी सवर्ण हिंदू जातिवाद का समर्थन करते हैं? ये वो सवाल है जिनका जवाब इन सवर्ण हिंदुओं को देना चाहिए। भला जाति को खत्म करने की बात करने वाले कानून का कोई कैसे विरोध कर सकता है? अमेरिका में जातिवाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले सिस्को केस ने सभी का ध्यान खींचा था, जहां सीनियर सवर्ण भारतीय अधिकारियों पर जूनियर दलित कर्मचारी के साथ भेदभाव करने का गंभीर मामला सामने आया था। लगातार बढ़ते कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण अब अमेरिका की सोसाइटी में कास्ट को लेकर जागरूकता बढ़ी है और अब वहां एंटी कास्ट कानून बनाने की मांग तेज हो गई है। अमेरिका की करीब 25 यूनिवर्सिटी भी अपने यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव करने को अपराध घोषित कर चुकी है। पिछले दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अपनी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी में कास्ट को भी शामिल किया था। वहीं एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने भी अपनी एचआर पॉलिसी में कास्ट से जुड़े मसलों को शामिल किया था और जाति भेद पर बैन लगाया था। अमेरिका की सिएटल सिटी काउंसिल तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर चुकी है। तब भारतीय मूल की क्षमा सावंत ने हाउस में बिल पेश किया था और बिल पास होने के बाद सिएटल अमेरिका का पहला शहर बन गया था जिसने जाति के खिलाफ कानून बनाया था। और अब अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में भी एंटी कास्ट बिल जल्द ही कानून बन सकता है। इसलिए वहां बसे सवर्ण हिंदू नहीं चाहते कि अमेरिका में जातिवाद के खिलाफ कोई सख्त कानून बने और उन्हें खुद को सुधारना पड़े। जिस तरह से भारत के सवर्णों ने दुनिया भर में जातिवाद की बीमारी को फैलाया है, उससे अब पूरी दुनिया परेशान हो गई है। यही वजह है कि एक के बाद एक दुनिया के तमाम मुल्कों में एंटी कास्ट लॉ बन रहे हैं। अगर कैलिफोर्निया स्टेट में भी एंटी कास्ट बिल पास हो गया तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला राज्य होगा जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर बैन होगा। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका में भी जातिवाद करने वालों की खैर नहीं होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भविष्यवाणी की थी कि भारत के सवर्ण दुनिया में जहां भी जाएंगे वो जाति की बीमारी को साथ ले जाएंगे और फिर जाति एक वैश्विक समस्या बन जाएगी। उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और जातिवादियों ने जाति का ये वायरस पूरी दुनिया में फैला दिया। हाथ तो ये है कि जातिवाद की मानसिक बीमारी से ग्रसित ये सवर्ण हिंदू नहीं चाहते कि जाति की इस बीमारी का पक्का इलाज हो।
आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की जरूरी खबरें मिलती रहें तो आप हमारी आर्थिक मदद भी जरूर करें। आप इस QR कोड को स्कैन करके हम तक मदद पहुंचा सकते हैं, साथ ही आप UPI ID और अकाउंट डिटेल्स में भी अपनी आर्थिक मदद हमें भेज सकते हैं। आपसे अपील है कि हमें सोशल मीडिया के सभी हैंडल्स पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।